जनता ने आपको अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताया। आपके जो प्रतिद्वंदी थे पहले वो ये कहते थे कि नगर बचाओ नगर बचाओ, क्या कहना चाहते हैं विजयी होने के बाद? पहले तो जनता जनार्दन को बहुत ढेर सारा धन्यवाद, उन्होंने अपना प्रेम और विश्वास जैसा पिछली बार मेरे ऊपर बना रखा था वैसा ही बनाए रखा, और नगर को बचा ही लिया। जैसा कि बार बार हमारे विपक्षी कह रहे थे नगर बचाओ नगर बचाओ, वो जनता जानती है, ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है, और उसको ये पता था कि नगर बचा कौन सकता है। मेरे ऊपर आरोप लगाए गए, झूठी अफवाहें फैलाई गई, और लोग यहीं रहते हैं, बहुत छोटी सी जगह, आरोपों पे अफवाहों पे लोग सुन तो लेते हैं लेकिन उसकी सत्यता की जांच भी करते हैं, और जब उसका फैक्ट चेक हुआ तो ये सारे आरोप सारी जितनी भी इनकी अफवाहें थी सब झूठी साबित हुई, और जनता ने निश्चित रूप से सच्चाई का साथ दिया, नगर को बचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनता एक चीज़ ये भी जानना चाहती है कि आप कितने वोटों से विजयी हुए? मैं 621 वोट, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट बता रही है, 621 वोट। आपने अपने प्रतिद्वंदी को कितने वोटों से हराया? 621। टोटल आप कितना पाए थे? मेरा 5013 वोट है और लगभग 4300 कुछ वोट, 621 माइनस कर। विजयी होने के बाद जैसे ही आप नगर पालिका की सीट पर बैठते हैं, सबसे पहली प्राथमिकता आम जनमानस की? देखिए, आम जनमानस के लिए मैंने और भी कुछ लोगों ने मेरे से प्रश्न पूछा है, नई बोर्ड का गठन होना है, 25 जो भी मेंबर्स लड़े हैं उन लोगों ने अपने अपने वार्ड की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनको उठाया होगा चुनाव, और ये भी आश्वासन जरूर दिया होगा वहाँ कि ये काम हम जीतते ही कराएंगे। तो अब अपनी नई बोर्ड में जो हमारे मेंबर्स जीत करके आए, और साथ ही जो हमारे सहयोगी हमारे साथ चुनाव में लगे रहे, जिन्होंने हमारी मदद की, जिन्होंने उन्होंने भी कुछ कमिटमेंट किए होंगे कि ये काम जरूरी है ये होना, उस काम सूची बना करके, और जो टॉप प्रायोरिटी काम सारे करने हैं लेकिन जो सबसे आवश्यक हैं कि जो तत्काल होने हैं, उसी के आधार पर अपने बोर्ड के जो नीड्स हैं जो डिमांड हैं उसी के आधार पर टॉप प्रायोरिटीज अपनी लिस्टिंग करके उसके आधार पर काम। 5 साल का कार्यकाल आपका बीता, 2 से लेकर 2.5 वर्ष COVID-19, 2.5 वर्ष आपको मिला जी, आपको जनता ने 5 वर्ष का समय फिर से दोबारा दिया है, वो भी आपके कामों को देखकर ही, क्योंकि जनता उन्हीं को वोट अपना प्रदान करती है, वो जानती है कि जिनके अंदर सामर्थ्य हो उसकी समस्याओं को सुलझाने का। जनता ने आपको बहुत बहुमत से एक हिसाब से जिताया है, पार्टी लोग पार्टी के टिकट लेके जीतते हैं, लेकिन आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच अपनी एक अलग छवि और एक अलग पहचान बनाई, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस बात के लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा लोगों को कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पुनः दोबारा, मैं पहली बार भी निर्दलीय रहा, इस बार भी निर्दलीय हूँ, तो मुझे दोबारा उन्होंने मौका दिया। मेरे विपक्ष में जो लड़ रहे हैं, पिछली बार पार्टी से लड़े, वहाँ सफल नहीं हुए, तो उनको लगा कि निर्दलीय जीत रहे, इस बार निर्दलीय लड़े, वहाँ भी सफल नहीं हुए, खैर वो उनका विषय है। ये तो सही है कि मुझे 2.5 साल 3 साल ऐसा समय गया कि जब COVID-19 का दौर रहा और पूरी दुनिया ठप, तो जनता को ये विश्वास है कि इस व्यक्ति के अंदर काम करने की क्षमता है, हमारे सुख दुख में हमारी किसी समस्या को यही हमारा साथ दे सकता है, हमारे साथ खड़ा हो सकता है, यही मिलेगा और कोई मिलेगा नहीं, इसलिए जनता ने मुझे वोट कर करके जिताया है, और जो कसर उस 2.5 साल में विकास कार्यों का मान्य अगर रह गई है तो निश्चित रूप से इस 5 साल में उस 2.5 साल की भी कमी होगी। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, सांसद कैसरगंज, आपने इससे पहले भी जब हमारी आपसे बात हुई थी तो आपने बताया था कि वो आपके पिता समान थे, उनका कितना सहयोग रहा, उनके परिवार का कितना सहयोग रहा आपके साथ? उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि जो जिसके कर्म वो अपने कर्म के आधार पर चुनाव लड़े, जनता तय करेगी किसके कर्म कैसे थे। उन्होंने ये भी कहा था उस इंटरव्यू में अपने कि पिछली बार मेरी प्रतिष्ठा लगी थी, मैंने सत्येंद्र को लड़ाया, सत्येंद्र को जनता ने आशीर्वाद दिया, हमारा मान सम्मान रखा, जिताया। उसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा था कि अब हम सत्येंद्र को नहीं चाहते मत जिताइए या सत्येंद्र के साथ नहीं है, कहा कि हमने आपको क्वालिटी दी, कहा था इस बात को, तो अब जनता ये तय करे कि वो क्वालिटी सांसद जी ने जो दी थी वो क्वालिटी थी कि नहीं थी, तो सांसद जी के क्वालिटी को फिर से जनता ने मोहर लगवाया। सांसद जी ठीक है, क्योंकि इस समय कुछ विषय ऐसे हैं, समस्या नहीं है कोई, इन कुछ विषय ऐसे हैं कि राजनीतिकरण चल रहा है उस वजह से यहाँ उपलब्ध नहीं रह पाए, तो वो एक अलग विषय है, और क्योंकि इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के लिए, मैं अपने लिए भी कहता हूँ जो लड़े हों सभी के लिए कहता हूँ, सांसद जी का आशीर्वाद बहुत ही जरूरी है, उनका ग्रह क्षेत्र है, बिना उनके आशीर्वाद के नहीं किसी की पार नहीं लगती, इसको कितना मिला पता नहीं। और क्योंकि आपने इस तरीके से सांसद जी के बारे में बताया, आपसे उनका अभिन्न संबंध है, जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में ज्यादा नहीं 2 लाइन आपसे जानना चाहिए। सांसद जी मेरे पिता तुल्य,
और कैरेक्टर के मामले में उनके ऊपर जितने भी आरोप लग रहे हैं, जितने लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो लगातार उनसे मिलने यहाँ आते थे, उनके घर पे जाते थे, नाती पोतों परिवार के बीच, परिवार के लोगों के बीच, सांसद जी की पत्नी के पास आशीर्वाद लेने जाते थे, नंदनी नगर में कुश्ती होती थी वहां आते थे, मेरे खुद के 2500 पर्सनल फोटोज मेरे साथ जैसे जिसपे आरोप लगाते हैं सांसद जी, वैसी तो कई फोटो मिली है साक्षी मलिक के साथ, दिनेश फोगट के साथ, बजरंग पुनिया के साथ, योगी सब्दत के, योगी सब्दत जी नहीं मैं बात बता रहा हूँ, बड़े पहलवान है, सुशील कुमार के साथ, सबके साथ मेरी फोटो है। तो कल को आए दिनेश फोगट कहते हैं कि सत्येंद्र सिंह मेरे बगल में खड़े थे और मुझे जो है वो उत्पीड़न करने के हिसाब से उनकी नीयत अच्छी नहीं थी, टच कर रहे थे। पूरे भारत में कितनी जगह जाते हैं, कार्यक्रम होते हैं, भीड़ भाड़ होती है, ठेला ठेली हो जाती है, तो इसका मतलब है थोड़ी कि सभी व्यक्ति उनके साथ जो है उनका उत्पीड़न करने के लिए आए। और सांसद जी पिता के रूप में वो बच्चे हैं, उनको अच्छी चीज बुरी चीज समझाते थे। अब समस्या ये आ गई है कि उनको जूनियर्स जो थे उनके सामने वो अब पटकने लगे हैं, ट्रायल्स होंगे तो वो इंटरनेशनल कंपटीशन और सारे गेम्स में और कुश्ती में बड़ा अंतर है, उम्र बढ़ती जाती है, दम खत्म कम होता जाता है, इसमें जो 18 से 25 की एज है यही सबसे परफेक्ट एज है, 25-27 के बाद कुश्ती ढलने लगती है। अभी कौन है 25-27 के, है कोई, सभी 30 में पहुंच रहे, दम खत्म होने लगा है, तो अब खेलना इंटरनेशनल है, और इंटरनेशनल में अगर 2 नंबर का 3 नंबर का पहलवान जाएगा, 2 नंबर की टीम जाएगी, तो वहां हार करके नहीं आएंगे, तो बेइज्जती किसकी होगी, पहले फेडरेशन पे आरोप लगेंगे फिर देश की बेइज्जती होगी। सांसद जी अपने देश की इमेज को बनाए रखना चाहते हैं और जैसे उनके कार्यकाल में फेडरेशन ने तरक्की की है उसको मेंटेन रखना चाहते हैं। अब इन लोगों को यही कष्ट हो रहा है जिस वजह से ये लोग आरोप लगा रहे हैं और उसी में राजनीतिक पार्टियों का साथ मिल गया है, कभी किसान आंदोलन के लोग आ रहे हैं, कभी कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, अब ये तो रही नहीं गया है, ये किसानों पहलवानों का रही नहीं गया है, अब ये हो गया टोटल कांग्रेस का हरियाणा। और तो देखिए कितनी गंदी राजनीति है, स्पोर्ट्स पर्सन सदैव कहते हैं ना स्पोर्ट्समैन स्प्रिट होती है, और जाट और खाप और कौन सी पंचायतों में बांटने का प्रयास चल रहा है। हमारे सांसद जी ने एक आवाज लगाई है कि क्षत्रिय समाज हमारे साथ है, क्षत्रिय संगठन उनके पीछे है क्योंकि वो क्षत्रिय से उमड़ है, राजपूतों की शान है पूरे भारत के, सभी लोग उनको चाह रहे हैं, लेकिन सिर्फ राजपूत ही नहीं चाह रहे, पूरे उनके क्षेत्र के पूरे प्रदेश के लोग उनके साथ हैं, ब्राह्मण उनके साथ है, दलित उनके साथ, मुसलमान उनके साथ है, क्यों, क्योंकि वो सर समाज के स्वीकृत नेता है। और इन लोगों ने क्या किया, वर्ग विशेष की खाप पंचायतें हमारी शरीयत, मतलब बात बताओ आ जाए हमारी मदद करें, ताऊ चाचा आए हमारी मदद करें, क्यों करें भाई, आप खिलाड़ी हो ना, खिलाड़ी के हिसाब से मदद मांगो ना, अब जाट और खाप पे क्यों आ रहे हो आप, ये इनकी गंदी मानसिकता को बांटने की राजनीति को ये हरियाणा में बांटना चाहते हैं, वहां राजनीति कांग्रेस करना चाहती है, इस वजह से इनका सारा ड्रामा है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, मोदी जी के ऊपर प्रेशर करने की कोशिश है, सांसद जी की इमेज खराब करने की कोशिश है, होने वाला कुछ नहीं है। सांसद जी हर बार जब किसी ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हैं वो निकल करके और निखर करके आए हैं, और निश्चित रूप से इस बार भी और ज्यादा निखार के साथ निकल के आएंगे और बहुत ही फ्रेश होकर एकदम क्लीन निकल करके आएंगे। ये आरोप प्रत्यारोप ये करते रहे कोई मतलब नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से जनता ने तो आपको वहमों से जिता ही दिया, आप जीत के भी आए, क्या कहना चाहते हैं जनता से 24 घंटे अगर उनको कोई समस्या होती कैसे होती है? देखिए 24 घंटे उपलब्ध थे, उपलब्ध रहेंगे। मेरा फोन नंबर नगर के बच्चे के पास है, मैं अगर नगर में हूँ तो फिजिकली अवेलेबल हूँ, नगर में नहीं हूँ तो ऑन कॉल अवेलेबल हूँ, उपलब्ध चाहे फोन पे हूँ चाहे फिजिकली हूँ, काम होगा इसकी गारंटी है, और मैं वास्तविकता में 24 घंटे उपलब्ध रहा और 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा, और आप किसी का साथी बनूं या न बनूं आपके खुद का साथी जरूर बनूंगा। आप लोगों ने इतना आशीर्वाद और प्रेम दिया है, निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद दोबारा जिताया, मेरा मान सम्मान आप लोगों ने इतना बढ़ाया, आपकी वजह से जिला मुझे पूरा स्वीकार कर रहा है, और कितने कितने आशीर्वाद और कितनी बधाइयां और मतलब हर स्तर पर कितनी चर्चाएं, तो आप लोगों ने इतना नाम मान सम्मान बढ़ाया है, मैं आभारी हूं, मैं ऋणी हूं नवाबगंज की जनता के, क्योंकि ये सब कुछ नवाबगंज की जनता की वोट और आशीर्वाद की वजह से, तो इस ऋण को तो मैं उतार नहीं सकता, बस ये है कि कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा बैलेंस करके चल सकता हूं, तो आपके दुख का साथी हूं। निश्चिंत होकर के कोई ना मिले कोई मिले आप अकेले आइए मेरे पास, मेरे से मिलिए, किसी के सहयोग की किसी के साथ की जरूरत नहीं है, मुझे आशीर्वाद दीजिए जहां जरूरत हो मुझे इस्तेमाल करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी मदद की, मुझे बताया, बहुत बहुत धन्यवाद।